दोस्तों लगातार शर्ट टी शर्ट चिनोज का रिव्यू करते करते मैं भी बोर हो गया था और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सेम टाइप के वीडियोस देख देख कर बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट का रिव्यू किया जाए, क्यों ना आज फॉर्मल लोफर्स का रिव्यू किया जाए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 3 बेहतरीन ब्रांडेड ब्लैक फॉर्मल लोफर्स का रिव्यू, और हाँ इनका प्राइस होगा 500 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि दोस्तों 500 के अंदर बेहतरीन शर्ट टी शर्ट ढूंढ के ले आना बहुत इजी होता है, लेकिन 500 के अंदर बेहतरीन जूते ढूंढ के लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने अपने बजट को थोड़ा सा पुश किया है। तीनों में से कौन सा लोफर आपको परचेस करना चाहिए, क्यों परचेस करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इन तीनों में से एक लोफर ऐसा है जो कि पैसा वसूल लोफर है, अगर जानना है वो लोफर कौन सा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बकबक को साइड रखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हर फ्राइडे रात 10:10 पर हम हाजिर हो जाते हैं मेंस फैशन प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेंस फैशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। हेलो जेंटलमैन, दिस इज मिस बाबू, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लीफाइड यू। फर्स्ट हम रिव्यू करने वाले हैं जिस लोफर का, वो है इनविक्टस ब्रांड की तरफ से। अगर आप मिंट्रा में शॉपिंग करते हो तो इस ब्रांड का नाम आपने सुना होगा। चलिए एक बार जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग की बात करूं तो डब्बे का हालत आप देख सकते हैं कैसे टूटा फूटा हालत में मुझे ये डब्बा मिला है। तो कंपनी वाले भैया प्लीज नेक्स्ट टाइम किसी को भी सेंड करो तो पैकेजिंग का थोड़ा ध्यान रख देना। अगर ब्रांडिंग की बात करूं तो शूज के अंदर साइड में जो है फुट बेड के ऊपर आपको इनविक्टस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, और हाँ इस शू के साथ मुझे किसी भी तरह का कोई टैग वगैरह नहीं मिला। दोस्तों शूज का जो अपर पार्ट है इसको हम लोग टंग बोलते हैं, और टंग के ऊपर आपको एक मेटालिक बेल्ट देखने को मिलेगा, और इस टाइप के लोफर को जो है वो हॉर्स बीट लोफर कहा जाता है। इस लोफर का जो टैग प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज, लेकिन मिंट्रा से मैंने इसको परचेस किया है ओनली 989 रुपीज में। इस जूते का जो अपर पार्ट है उसको बनाया गया है PU लेदर से, यानी पॉली यूरेथेन लेदर से। ये एक आर्टिफिशियल लेदर है जिसको पॉलिस्टर और पॉलीमर इन दोनों के मदद से बनाया जाता है, और सोल को बनाने के लिए TPR यानी कि थर्मोप्लास्टिक रबर का इस्तेमाल किया गया है। सोल के नीचे आपको बीट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा, तो इस जूते को पहन कर जब आप चलोगे तो फिसलने का चांस थोड़ा रह जाएगा। क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं इस जूते को अगर फ्लेक्स करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं इस जूते के यहां पे जो है रिंकल्स आ रहे हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले हो तो शायद बहुत जल्दी इस एरिया में रिंकल्स आ जाए, और हाँ ये जो साइड पोर्शन है ये भी शायद बहुत जल्दी क्रैक होकर फट जाए। लुकिंग वाइज ये जूता काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, और हाँ इस टंग के ऊपर ये जो मेटालिक बेल्ट यूज किया गया है इसकी वजह से ये जो जूता है पहनने वाले के पर्सनैलिटी पर जो है एक क्लासिकल रिच वाइब ऐड करेगा। अगर आपके पैर के मिडिल पोर्शन की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है तो आई थिंक ये जूता आप पर अच्छे से फिटिंग आएगा और आपके पैर में अच्छा लगेगा। फुटबेड की बात करूं तो फुटबेड का जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, और एक और बात, जो शू के अंदर साइड में जो है जो आपका टंग है उसके नीचे भी जो है वो कुशन इस्तेमाल किया गया है, वेलवेट इस्तेमाल किया गया है, मतलब आपके पैर के जो कंफर्ट है उसका पूरा ध्यान रखा गया है इस जूते में। और हाँ जितने भी जूते का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सारे जूते में जो है आपको 1 month का वारंटी मिल जाएगा। अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो इस जूते को आप फॉर्मल सेमी फॉर्मल स्कूल कॉलेज ऑफिस किसी भी इवेंट में पहन के जा सकते हो। जहां तक मुझे लगता है ये जूता जो है वो सामने वाले के दिल में आपके लिए एक रिच क्लासिकल बंदे का जो इमेज है वो ड्रॉ करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड रिव्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया है बिल्ट मेंस वार्डरोब अंडर 500, और इस प्लेलिस्ट में हमने अभी तक जितने भी क्लोथिंग आइटम का रिव्यू किया है उनका प्राइस है 500 रुपीज के आसपास। तो अगर आप देखना चाहते हो उस प्लेलिस्ट को तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड हमारा शू है मैक ट्री ब्रांड की तरफ से, ये भी नया ब्रांड है, मैंने भी पहले बार इसको परचेस किया है, और हाँ अगर पैकेजिंग की बात करो तो इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है। चलिए एक बार अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ब्रांडिंग की बात करो तो फुटबेड के ऊपर आपको मैक ट्री का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करो तो इसका टैग प्राइस है 5000, जो कि बिल्कुल बकवास है। मिंट्रा से मैंने इसको परचेस किया ओनली 846 रुपीज में। इस लोफर के टंग के ऊपर आपको 2 टैसल देखने को मिलेगा, यानी कि 2 जो आपको फैब्रिक है बहुत सारे फैब्रिक का गुच्छा देखने को मिलेगा, और इस टाइप के लोफर को हम लोग टैसल लोफर बोलते हैं। मटेरियल की बात करूं तो अपर बॉडी में PU यानी कि पॉली यूरेथेन यूज किया गया है, और हाँ इसके सोल में यूज किया गया है थर्मोप्लास्टिन रबड़।
सोल के नीचे आपको बहुत सारा बीट देखने को मिलेगा और इस बीट की वजह से जूते को जब पहनकर आप चलोगे तो फिसलने का चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफी शानदार है और आप देख सकते हो जैसे मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूं तो भी यहाँ पे कोई रिंकल वगैरह नहीं आ रहा है, तो डेली बेसिस पे अगर आप इसको यूज करोगे तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा दिन ही लास्ट करेगा। लुक्स की बात करूं तो बहुत ही डिसेंट सा लुक है इसका, और हाँ अगर आप गौर से देखोगे तो हालांकि ये एक आर्टिफिशियल लेदर से बनाया गया है इस जूते को, लेकिन एक प्योर लेदर वाला जो फिनिशिंग होता है वो देने का कोशिश किया गया है इस जूते में। फुटबेड की बात करें तो फुटबेड काफी ज्यादा सॉफ्ट है और हाँ इस जूते के अंदर साइड में भी बहुत सारा सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल किया गया है और इस जूते को पहनकर मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी फील हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी लोफर नहीं है और आप अपना फर्स्ट लोफर खरीदने वाले हो डेली यूज करने के लिए ऑफिस कॉलेज में या फिर स्कूल में फॉर्मली पहनने के लिए सेमी फॉर्मली पहनने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैकट्री का ये लोफर। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड एंड फाइनल रिव्यू की तरफ, और जैसा कि मैंने कहा था ये एक पैसा वसूल लोफर है और पैकेजिंग भी यहाँ पे बहुत देख सकते हैं आप ठीक ठाक ही है, तो चलिए एक बार इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो शानदार शू आप देख रहे हैं इसका जो प्राइस है टैग प्राइस वो है 2299 रुपए, लेकिन मिंट्रा से मैंने इसको परचेस किया ओनली 735 रुपीज में। हाँ दोस्तों ओनली 735 रुपीज में। इस जूते के साइड में आपको शाइनी ब्लैक सिंथेटिक लेदर मटेरियल देखने को मिल जाएगा और इसके मिडिल पोर्शन में शाइनी ब्लैक के मिडिल पोर्शन में आपको जो है वो मैट ब्लैक कलर का जो है आपको स्वेड मटेरियल देखने को मिलेगा जो इसके लुक्स को और ज्यादा इनहेंस कर रहा है। इस जूते के सोल को बनाया गया है थर्मोप्लास्टिन रबर से और हाँ सोल के नीचे अगर आप गौर करोगे तो देखोगे बहुत सारा बीट का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर इस जूते को पहनकर आप किसी स्लीपी सर्फेस में चल रहे हो तो स्लिप होने का चांस बहुत कम है। क्वालिटी की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है और हाँ अगर मैं बात करूं इस लोफर को अगर मैं फ्लेक्स करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इस लोफर में किसी भी तरह का कोई जो रिंकल वगैरह है वो नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोफर है बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। ये एक पेनी लोफर है और लुकिंग वाइज ये लोफर काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है और हाँ इसके बेल्ट के ऊपर ये जो हल्का सा मेटल दिया गया है ये इस लोफर का जो प्रीमियमनेस उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बाकी दो जूते के मुकाबले इसका जो फुटबेड है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और हाँ अंदर साइड में भी जो है सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल किया गया है और ये जूता जो है पहनने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सिंगल सेंटर्स में कहूँ तो अगर ओकेशनली किसी पार्टी में पहनने के लिए या फिर फंक्शन वगैरह पहनने के लिए आप कोई बढ़िया सा बजट में पार्टी वाला लोफर ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन है। रेगुलर पहनने के लिए इस जूते को इस्तेमाल मत करना क्योंकि अगर रेगुलर पहनोगे तो इसका जो लुक्स है मुझे लगता है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो क्लब वगैरह या पार्टी में ही आप इसको पहनो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक और बात, जब इस जूते को पहनकर आप किसी पार्टी वगैरह में एंट्री करोगे ना तो लोग तो डेफिनेटली पूछने वाले हैं भाई कि ये कौन से ब्रांड का है, क्योंकि 700 का तो ये बिल्कुल नहीं लगता। सो जेंटलमैन वीडियो को समराइज करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप डेली बेसिस पे पहनने के लिए ऑफिस स्कूल कॉलेज में कोई बढ़िया सा लोफर ढूंढ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैकट्री का ये सिंपल सा लोफर। लेकिन हाँ पार्टी में प्रोग्राम में अगर खुद को थोड़ा सा सेक्सी दिखाना चाहते हो, लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, तो फिर हेयर एंड नाउ का ये वाला लोफर खरीद लेना। लेकिन हाँ अगर आप एक क्लासिकल शांत बंदे हो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह तो फिर आप इस जूते को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दीज थ्री लोफर्स, तो अगर इन तीनों में से किसी भी लोफर को आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हाँ आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फैशन लवर दोस्तों के साथ भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और हमें जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करें। और हाँ अगर वीडियो पसंद आया मेहनत पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाने का। और हाँ अगर किसी स्पेशल ब्रांड या प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।